सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑटो डोमिना पर। और ये है एपिसोड 2 ड्राइव विद हिमांशु सीरीज़ का। तो पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि भाई आपकी गाड़ी आपसे क्या कहती है और आपको अपनी गाड़ी में क्या क्या जानना ज़रूरी होता है। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने वो वीडियो ऊपर आई बटन पर लगा दी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो गाइज़ आज की वीडियो में ना हम अपने कैबिन में चलेंगे एंड कैबिन में चलने के बाद ना भाई अंदर का आपको पूरा सिस्टम बताएंगे कि भाई आपको वहाँ पर क्या क्या जानना ज़रूरी होता है और कौन कौन से पार्ट्स का क्या वर्क होता है। तो ये वीडियो बिल्कुल मत स्किप करना एंड देखना एंड तक, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अब आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे, ठीक है। तो ये वाली वीडियो को देखने के बाद हम आपको बैठाएंगे ड्राइविंग सीट पर। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये हमारा डोर ओपन हो गया कार का। सबसे पहले जो चीज़ें हमें देखनी है वो देखनी है सीट एडजस्टमेंट लीवर, सीट की हाइट एडजस्ट करने के लिए। अगर आपको हाइट बढ़ानी है या घटानी है तो ये नीचे पुश करेंगे, और इसे अगर आप ऊपर पुश करेंगे तो इसकी हाइट बढ़ जाएगी। प्लस इसका ये वाला जो लीवर है ये यूज़ होता है बैक रेस्ट को आपको आगे पीछे करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, जो भी आपकी पोस्चर के हिसाब से कम्फर्टेबल है। उसके बाद यहाँ नीचे सीट के नीचे होता है ये वाला लीवर, इसे हम सीट को आगे पीछे लाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए, उसके बाद आता है हमारा पेट्रोल टैंक ओपन करने का स्विच। इसे जैसे ही हम ऊपर पुल करेंगे बाहर पेट्रोल टैंक का कैप हट जाएगा और हम अपना पेट्रोल या डीजल कुछ भी जो फ्यूल हम अपनी कार में डलवाते हैं उसके लिए इनलेट खोल देंगे। अब आते हैं अपनी कार के पेडल्स पे। ये एक IMT वेरिएंट है जिसके अंदर क्लच नहीं होता, लेकिन बहुत सी मेजॉरिटी गाड़ियां जो इंडिया में हैं उनमें आज भी क्लच यूज़ होता है, क्योंकि लोग आज भी प्रेफर करते हैं मैनुअल कार चलाना। तो IMT कार में और ऑटोमेटिक कार में क्लच नहीं होता, बट मैनुअल कार्स में क्लच होता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये है इसका ब्रेक, ये है इसका एक्सेलेटर, और अगर ये मैनुअल होती तो वहाँ होता उसका क्लच। ब्रेक कार को रोकने के लिए, एक्सीलेटर कार को स्पीड देने के लिए। अब ये आते हैं हमारे स्टार्ट स्टॉप बटन, ये है हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल, ये है हमारा हेडलाइट की बीम अप डाउन करने के लिए। बीम डिप करनी है तो आप इसको 3 पे रखेंगे, और अकॉर्डिंगली अगर आपको बीम को अप करना है तो 2, 1 और 0। 0 का मतलब बीम बिल्कुल सीधी है तो काफ़ी दूर तक आपके हेडलाइट का थ्रो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जब आपको बीम को थोड़ा डाउन करना होता, आपको ज़्यादा दूर का ना देख के पास की चीज़ें देखनी है और ज़्यादा क्लियर देखनी है, तो उस टाइम पे आप इसे 3 पर ले जा सकते हैं, जिसका मतलब बीम डाउन हो गई है और आपको आसपास की विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगी। स्टार्ट स्टॉप बटन आजकल की मॉडर्न कार्स के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट की से ना करके सेल्फ स्टार्ट के लिए बटन दे दिया जाता है। इसे आप पुश करेंगे तो कार स्टार्ट हो जाएगी, इसे ही आप वापस से पुश करेंगे तो बंद हो जाएगी। उसके बाद आते हैं हमारे ड्राइवर साइड कंट्रोल्स पे, जो डोर कंट्रोल्स होते हैं। अब इन डोर कंट्रोल्स का भी सबका अपना काम होता है। ये बटन हो गया आपके चाइल्ड लॉक लगाने के लिए, जिससे पीछे की किसी भी विंडो में या साइड में जो भी विंडो है वो कोई भी अपने डोर से ना खुल के उनका कंट्रोल सिर्फ आपके पास रहेगा। उसके बाद आती हैं ये आपके चारों विंडो के कंट्रोल्स, जैसे कि ये देखिए, अगर हम इसे दबाते हैं तो ये हमारा फ्रंट राइट साइड की विंडो है, ओपन हो गई और ये क्लोज हो गई। ऐसे ही अगर हम ये बैक राइट का बटन दबाएंगे तो ये देखिए बैक की विंडो ओपन हो गई और ये क्लोज हो गई। ये चारों विंडो कंट्रोल्स हैं। उसके बाद ये हमारी कार के डोर लॉक अनलॉक हैं, ये आप देख सकते हैं। ये लॉक बंद है तो यानी कि लॉक करने के लिए, ये लॉक ओपन है तो ये ओपन करने के लिए, आप देख सकते हैं ये स्विच क्लोज ओपन। उसके बाद है ये हमारा साइड व्यू मिरर्स, इन्हें साइड व्यू मिरर्स को अगर आपको बंद करना है तो आपको एक बार पुश करना होगा। ये देखिए, ये मैंने पुश किया और ये साइड व्यू मिरर ओपन हो गए। वापस से पुश करेंगे तो ये क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा ये साइड व्यू मिरर को एडजस्ट करने के लिए स्विच होता है। इसमें अगर आप राइट को पुश करके
और इन एरो को पुश करेंगे तो आप अकॉर्डिंगली अपने साइड व्यू मिरर को ये देखिए, डाउन जा रहा है, नाउ इट्स गोइंग अप, नाउ इट्स गोइंग राइट लेफ्ट। और यही चीज़ अगर आपको लेफ्ट साइड व्यू मिरर के साथ करनी है तो आप अपने इस स्विच को लेफ्ट में ले जाकर और सेम अप एंड डाउन बटन यूज़ करेंगे तो आपका लेफ्ट मिरर भी यहीं से आप ऑपरेट कर सकेंगे। ये है हमारा लॉक, इसे अगर आपको डोर ओपन करना है तो पहले, अभी आप देखिए ये हमारा डोर लॉक है, तो पहले आप यहाँ से अनलॉक बटन दबाएंगे, ये लैच पीछे हुआ, उसके बाद ये होल्ड करके आप अपना डोर खोल सकते हैं। इस बंद कीजिए, बंद करके ये वापस से लॉक लगा लीजिए, लैच क्लोज हो गया, तो यानी कि आपके डोर सिक्योरली क्लोज्ड है। तो ये जो चाइल्ड लॉक सिस्टम होता है ये सारी कार्स में ड्राइवर सीट के डोर पर ही दिया जाता है। उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि चाइल्ड सेफ्टी का जो जितने भी कंट्रोल होते हैं वो आपके ड्राइवर के पास होने चाहिए। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर आपके साथ कोई चाइल्ड ट्रैवल कर रहा है या कुछ भी है, तो आप एटलीस्ट उसे बिना कार से उतरे आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे वो अपने आप डोर ओपन ना कर पाए। ये चाइल्ड सेफ्टी ऑन हो गई है, ये ऑफ हो गया। और हेडलाइट से रिलेटेड हम लोग एक रील बनाएंगे जो कि हमारे इंस्टाग्राम चैनल ऑटो डोमिनार पर आपको देखने को मिलेगी, जो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। तो जिसने भी अगर अभी इंस्टाग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो फास्ट एंड सब्सक्राइब ऑटो डोमिनार इंस्टाग्राम चैनल। अब आते हैं हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल्स पे। स्टीयरिंग कंट्रोल्स मोस्टली हर गाड़ी के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर क्या स्विचेस हैं, बट आजकल मॉडर्न कार्स में आपको ये सारे फीचर्स तो मोस्टली मिल ही जाते हैं। हाँ, वो चीज़ अलग हो सकती है कि आपकी कार के स्टीयरिंग के डिज़ाइन के हिसाब से आपको स्विच की प्लेसमेंट अलग अलग जगह मिले, बट मोस्टली आपको ये स्विचेस मिल जाएंगे। तो ये स्विचेस किस काम आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये वॉइस कमांड स्विच है, इसे आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो एक तरीके से जैसे हम लोग देखते हैं कि अलेक्सा और गूगल प्ले वगैरह ऑन हो जाते हैं या एप्पल में सिरी ऑन हो जाता है, ऐसे ही ये एक तरीके से वॉइस कमांड होता है जो अपनी आप कार को देते हैं, जैसे कि प्ले द म्यूज़िक और कॉल समवन। जब आप इनबिल्ट कॉलिंग फीचर का फ़ायदा उठाते हैं तो आप सिर्फ अपना फ़ोन को कनेक्ट करके और यहाँ से इस बटन को प्रेस करके आप सिर्फ सीधा ये बोल सकते हैं कॉल दिस पर्सन, और आपकी कार उस पर्सन को कॉल मिला देगी। उसके बाद ये डिफरेंट मोड्स के लिए होता है, मोड्स चेंज करने के लिए ये अलग स्विच है। ये है हमारा ये वाला स्विच, ये आप देख सकते हैं इसके आगे स्पीकर बना हुआ है प्लस और माइनस, ये होता है हमारी वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए। इन कॉल, अगर आप कॉल पे हैं तो आप सामने वाले की वॉइस को कम ज़्यादा कर सकते हैं इसी के थ्रू, या फिर आप जब म्यूज़िक सुन रहे हैं तो आप यहीं से अपने म्यूज़िक की वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपका ट्रैक स्किप करने के लिए हो गया, अगर आपको कोई सॉन्ग्स चल रहे हैं और आपको ये स्किप करना है, आगे जाना है तो ये अप का बटन अप कर देंगे और अगर पीछे जाना है तो ये डाउन का बटन। उसके बाद आ जाते हैं आपके कॉल स्विच पे। अगर आपको कॉल आ रही है किसी भी, आपका जो फ़ोन आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम से कनेक्टेड है और आपको कॉल आती है तो आप उस कॉल को यहीं से रिसीव कर सकते हैं सिर्फ एक बटन के टैप पर। आप जैसे ही ये बटन दबाएंगे आपका कॉल रिसीव हो जाएगा। ये स्टार बटन जो है ये है हमारा कस्टमाइजेबल बटन, इसे आप डिफरेंट चीज़ों के लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा फीचर चाहते हैं जो आपके वन स्विच टैप पे ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए तो आप उसे यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके ये है हमारा MID बटन, इससे हम अपने MID को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन MID के ऊपर हम अपनी पूरी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जब हम वो वीडियो बनाएंगे तो आपको सब कुछ समझाएंगे कि कैसे यहाँ से अपने MID को कंट्रोल करें और MID से रिलेटेड और चीज़ें जो डिफरेंट सिंबल और लाइटिंग्स और हैजार्ड सिंबल्स वगैरह होते हैं, हम सब कुछ उसे अपनी एक अलग सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आते हैं हम क्रूज़ बटन पे। ये है हमारा क्रूज़ बटन, ये आप साइन देख सकते हैं, मोस्टली कार्स में आपको यही साइन लगा मिलेगा। इसका मतलब होता है कि आप अपनी कार को इस बटन के थ्रू क्रूज़ पे लगा सकते हैं। तो कभी भी आपको अपनी कार को क्रूज़ पे लगाना है तो आपको पहले एक अल्टीमेट जो आपकी स्पीड आप चाहते हैं उस पे स्पीड पर जाकर एक्सेलरेट करके आप उस स्पीड पे पहुंचेंगे, फिर ये बटन को आप प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको ये देखिए यहाँ ये रीसेट का ऑप्शन आ रहा है, ये बटन लिखे हुए हैं प्लस एंड माइनस, तो इसके अंदर आप चाहे अपर ऊपर पुश करें या डाउन पुश करें वो उसी स्पीड पे आपकी कार क्रूज़ कंट्रोल पे लग जाएगी। प्लस कभी आप जैसे हाईवे पे क्रूजिंग कर रहे हैं और आपको ये फील होता है कि मुझे थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी है, तो उसके लिए आपको एक्सेलरेट ना करके
आप यहीं से अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं इसे प्लस के ऊपर ले जाकर। जितनी बार आप इसे प्लस में पुश करेंगे उतनी बार 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी इंक्रीज होती रहेगी, और जितनी बार माइनस करेंगे उतनी ही बार 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपकी माइनस होती रहेगी इस बटन के थ्रू। ये MID ही कंट्रोल करने के लिए स्विच है, जिससे आप MID के मेन्यू में ऊपर नीचे जा सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ हम नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे। ये आपका ओके सिलेक्शन बटन है, किसी भी चीज़ को आपको सिलेक्ट करना है अपने MID में तो आप यहाँ से ओके करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये है हमारा कैंसिल बटन। अगर आप क्रूज कंट्रोल को कैंसिल करना चाहते हैं तो सिंपल एक टैप से आप क्रूज कंट्रोल को ऑफ कर देंगे। अब आते हैं हम अपने ये साइड लीवर्स पे। ये लेफ्ट साइड का जो लीवर होता है ये मोस्टली काफ़ी कार्स में यूज़ होता है लेफ्ट साइड से, आपकी विंडशील्ड के वॉशर के लिए प्लस आपके वाइपर्स के लिए। तो आप जैसे कि ये देख सकते हैं, अगर आप इसे अपनी तरफ पुश करेंगे, पुल करेंगे ऐसे, तो ये देखिए ये हमारी कार में वॉशर भी चलेगा और वाइपर भी चलेगा। जैसे ही आप इसे छोड़ देंगे वैसे ही वॉशर भी बंद हो जाएगा और वाइपर भी बंद हो जाएगा। प्लस आप इसी के थ्रू अगर आप वॉशर नहीं चलाना चाहते और सिर्फ ड्राई वाइप करना चाहते हैं तो आप उसे भी कर सकते हैं सिंपल इसे एक बार नीचे पुश करने से, ये देखिए। और अगर आप रेनफॉल के टाइम पर यूज़ करना चाहते हैं इसे तो इसके अंदर डिफरेंट मोड्स होते हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसका जो इंटरवल है वो बढ़ा घटा सकते हैं, ये देखिए। आप इसे एक बार नीचे करेंगे तो ये अपने आप थोड़ी देर तक, अब देखिए मैं इसे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए इंटरवल पे चला गया है। और अगर आप इसी को फास्ट करना चाहते हैं तो ये देखिए, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं रेनफॉल के टाइम पर। ये हमने ऑफ कर दिया है। उसके बाद अगर आप इनके बीच का इंटरवल टाइमिंग जो है वो बढ़ाना या घटाना चाहते हैं तो आप वो यहीं से कर सकते हैं। ये देखिए ये टाइम बढ़ गया है, ये थोड़ा सा कम हो गया है। बहुत सी ऐसी कार्स हैं जो अभी थोड़ी पुरानी हो चुकी हैं जिसके अंदर ये इंटरवल का ऑप्शन नहीं मिलता है हमें, वो पहले से ही प्री स्पेसिफाइड होता है कि कितनी देर में वाइपर ऑन होगा और कितनी देर में ऑफ होगा। तो ये कार टू कार डिपेंड करता है। अब आ जाते हैं हम अपने राइट साइड के लीवर पर। ये देखिए ये जो हमारा राइट साइड का लीवर है ये मोस्टली यूज होता है हमारी लाइट के कंट्रोल के लिए, और हम लाइट्स के जितने भी कंट्रोल हैं और इंडिकेटर का जो कंट्रोल है वो यहीं से होता है। जैसे कि अगर हमें राइट जाना है और राइट इंडिकेटर ऑन करना तो हम इस लीवर को नीचे पुश करेंगे और ये देखिए इंडिकेटर स्टार्ट हो गया राइट का। अगर हमें ये बंद करना है तो हम इसे एक बार पुश करके बीच में ले आएंगे, और अगर हमें लेफ्ट जाना है लेफ्ट का इंडिकेटर चलाना तो हम इसे ऊपर पुल कर देंगे और ये देखिए इंडिकेटर लेफ्ट का स्टार्ट हो गया, ये वापस हम बीच में लाते हैं। उसके बाद अब आते हैं हम अपनी लाइट की बीम पर। ये हाई बीम और लो बीम के लिए है। अगर आपको डिपर लगाना है अपनी कार में रात को जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, सामने से आपके कोई आ रहा है और आपको उसे सिग्नल देना है टू गिव यू स्पेस और आपको डिपर लगाना है, तो आप इसे अपनी तरफ पुल करेंगे। जैसे ही आप इसे अपनी तरफ पुल करेंगे आपकी हाई बीम ऑन हो जाएगी। प्लस इसके अंदर एक स्विच और होता है कि अगर आप इसे पीछे की तरफ बैकवर्ड पुश करते हैं तो ये आपकी हाई बीम लो बीम को परमानेंटली ऊपर नीचे करता है। जैसे आपने एक बार पुश करा तो ये हाई बीम पे चली गई, और वापस से पुश करा तो ये लो बीम पे चली गई। ये वाला जो हमारा स्विच है ये हमारे फॉग लैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है। प्लस अब इस कार के अंदर ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर होता है। बहुत सी कार्स ऐसी हैं जिनमें अभी तक ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर नहीं आता तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट जिन कार्स में ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स का फीचर है तो उसमें आप देख सकते हैं, अगर हम इस वाले एरो को ऑटो पे ले जाते हैं, ये देखिए, तो यानी कि हमारे हेडलैम्प जो हैं वो ऑटोमेटिक हो गए हैं। अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम जब भी अपनी कार से उतर के उसे ऑफ करके लॉक करेंगे तो कुछ टाइम बाद अपने आप ही हेडलैम्प ऑफ हो जाएंगे, और जैसे ही हम आके अपनी कार में बैठेंगे उसे स्टार्ट करेंगे तो अपने आप ही हेडलैम्प ऑन हो जाएंगे। ये आप ऑटो से हटा के ऑलवेज ऑन पे कर देते हैं, और ये हाई बीम पे होने के बाद अगर आप ऑटो पे रखना चाहते हैं ऑटो पे, और अगर आप चाहते हैं कि आप ये ऑटोमेटिक फीचर ऑफ कर दें तो ये आप सबसे नीचे कर दीजिए। ये देखिए ये यहाँ पे ऑफ भी है ऑटो के नीचे, अगर आप देखेंगे यहाँ से, ये देखिए अगर ये ऑफ के सामने चला जाता है तो यानी कि आपके ऑटोमेटिक हेडलाइट्स ऑफ हैं। अब आपको ये फीचर अपने आप ही मैनुअली ऑन और ऑफ करना पड़ेगा।
अब आते हैं हम अपने स्टेयरिंग व्हील पर। स्टेयरिंग व्हील के को आप अपने हिसाब से अपनी ड्राइवर सीट की तरह ही एडजस्ट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। हालांकि ये जो फीचर है ये कार टू कार एंड मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। बहुत सी ऐसे मॉडल्स हैं या बहुत पुरानी अगर कार किसी के पास है तो उसमें ये फीचर नहीं होता, और मोस्टली जो मॉडर्न कार्स हैं उनके मिडिल सेगमेंट में या टॉप सेगमेंट में ये आपको फीचर ज़रूर मिलेगा जिसके अंदर आप अपने स्टेयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से आप इस लीवर को नीचे पुश करेंगे और उसके बाद आपका स्टेयरिंग जो है आप उसकी हाइट ऊपर नीचे अपने कंफर्ट के हिसाब से कर सकते हैं। प्लस कुछ कार्स ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग भी होता है जिसके अंदर आप अपनी कार के स्टेयरिंग को अगर पुश करेंगे तो वो नीचे चला जाएगा और पुल करेंगे तो वो ऊपर आ जाएगा। तो वो चीज़ भी काफ़ी कार्स में आजकल एज एन ऑप्शन आपको मिलने लगी है। और कुछ कार्स ऐसी भी हैं जिसके अंदर आपको ये लीवर पुल करने की भी ज़रूरत नहीं होती, उसमें इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल स्टेयरिंग होता है जिसके अंदर आपको कंट्रोल्स यहाँ कहीं भी दिए जाएंगे और आपको सिंपल ऑटोमेटिक सीट एडजस्टर की तरह ही आपको स्टेयरिंग व्हील एडजस्ट करने का भी ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसे आप यहीं से स्विच अप डाउन करके यूज़ करके और अपने स्टेयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है हमारा हॉर्न पैड। मोस्टली कार्स में ये बीच में होता ही होता है, आप इसे जैसे ही पुश करेंगे तो आपकी कार का हॉर्न ऑन हो जाएगा और ये आपको मोस्टली कार्स में बीच में मिलेगा ही मिलेगा। और ये देखिए ये सिंबल भी है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से आप अपनी कार के हॉर्न को पुश ऑन कर सकते हैं और जैसे ही आप इसे लीव करेंगे हॉर्न अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये था हमारा स्टेयरिंग व्हील, और स्टेयरिंग व्हील के जितने भी कंट्रोल्स हैं, जितने भी उसकी सेटिंग्स हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, ये आपके ड्राइविंग एक्सपीरियंस को और ज़्यादा एनहेंस करती हैं। प्लस आप लॉन्ग ड्राइव में जब भी जाते हैं तो आप अपनी ड्राइवर सीट और स्टेयरिंग व्हील को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं जिससे आपको लॉन्ग रूट के ऊपर काफ़ी कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो अगर आप एक नए बायर हैं और आप एक न्यू कार लेने जा रहे हैं तो ज़रूर कोशिश करें कि हर कार के ड्राइविंग सीट पर बैठ कर अपने सारे फीचर्स को चेक करें। चेक करने के बाद उसका ड्राइविंग डायनेमिक्स चेक करें कि आपके बैठने के हिसाब से, आपके पोस्चर, आपकी हाइट, आपकी लेग लेंथ के हिसाब से क्या वो कार कंफर्टेबल है, और अगर थोड़ा सा भी आपको इशू लगता है तो क्या उसमें ऐसे एडजस्टिंग फीचर्स हैं कि आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं और वो कार ले आते हैं और उन्हें कुछ टाइम बाद, कुछ राइड्स बाद ये पता चलता है कि हाँ हम इस कार के अंदर इतने इजीली, इतने अच्छे तरीके से ड्राइव नहीं कर पा रहे जितने हम अपनी पुरानी कार में कर पाते थे या किसी और फ्रेंड की कार में कर पाते हैं। तो वो चीज़ ज़रूर कार लेने से पहले एक बार ज़रूर देख लें। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पर, वो है गाड़ी के गियर्स। तो गियर्स में आपको गियर लीवर सारी गाड़ियों में ऐसे ही मिलेगा अगर आपके पास कार ऑटोमेटिक नहीं है तो। अगर आपके पास मैनुअल है और अगर आपके पास IMT कार है तो आपको गियर लीवर ऐसा मिलेगा, और अगर आपके पास ऑटोमेटिक है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हर गियर लीवर पर आपको ये सिंबल्स मिलेंगे, ये गियर मैपिंग होती है जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कार को कैसे फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स या फिर रिवर्स गियर में डाला जा सकता है और एक कार के अंदर कितने गियर्स हैं, कितने ड्राइविंग गियर्स हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इसमें 6 ड्राइविंग गियर्स हैं, 7th ड्राइविंग गियर है इसका रिवर्स गियर। तो आप कभी भी देखेंगे तो आपको अगर इस कार को रिवर्स गियर में डालना है तो जैसे कि ये एक IMT कार है तो इसके अंदर क्लच नहीं होता, तो उसके लिए हम यहाँ पे ये नीचे स्विच दिया जाता है। ये देखिए इस स्विच को हम जैसे ही ये ऊपर पुल करेंगे, ये पुल करके और हम इसे ऐसे ले जाके और ये रिवर्स गियर में डालेंगे, ये हमारी कार रिवर्स गियर में चली गई है। और ये देखिए रिवर्स गियर में जाते ही हमारा बैक कैमरा ऑन हो गया है, और अगर आपका बैक कैमरा बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर रहेगा तो आपको ऐसा व्यू दिखाई देगा अपनी स्क्रीन पर, जो कि क्लीन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका रिवर्स कैमरा जिस काम के लिए लगाया गया है अगर वो क्लीन नहीं होगा तो वो काम कर नहीं पाएगा। तो देखिए अब हमने ये रिवर्स गियर में डाल दिया और अब हम ये देखिए हमारी कार बैक जा रही है, और ये देखिए ये हमने रोक दी। अब हम वापस से गियर को वापस से न्यूट्रल मोड में लाएंगे, छोड़ देंगे, तो ये देखिए हमारी स्क्रीन से बैक कैमरा बंद हो गया, तो यानी कि हमारी कार अब रिवर्स मोड में नहीं रही है। अब ऐसे ही अगर हम नीचे का स्विच ना दबाकर सिंपल इसे ऐसे फर्स्ट गियर में डाल देते हैं और अब आप देखेंगे कि हमारी कार आगे चलनी शुरू हो गई है। ये देखिए ये हम वापस से न्यूट्रल में ले आते हैं। तो ये होता है हमारा गियर मैपिंग जो ऊपर लिखा हुआ, और ये है हमारा गियर लीवर। इसका काम यही है,
और कोशिश ये करें कि कभी भी आप ड्राइव करते हैं मैनुअल कार या फिर आईएमटी कार, तो गियर को एंगेज करने के बाद अपना हाथ यहाँ से हटा लें, क्योंकि बहुत लोगों की आदत होती है कि वो गियर लीवर के ऊपर हाथ रख के चलाते हैं, और उससे मोस्टली ये होता है कि आपका जो गियर बॉक्स है वो ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली रब होते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर प्रॉब्लम्स आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करें आप जैसे ही गियर को एंगेज करें अपना हाथ हटा लें और अपनी ड्राइव पर ध्यान दें। जब भी आपको गियर एंगेज करने हो वापस से, अब वापस से अपना जो भी आपको न्यूट्रल लगाना है, सेकंड गियर लगाना है, थर्ड या फोर्थ जो भी लगाना है, उसमें एंगेज करने के बाद अपना हाथ हटा लें। अब गियर लीवर के बाद अब हम आते हैं हमारी हैंड ब्रेक पर। यह है हमारी हैंड ब्रेक का लीवर, और ये गाड़ी के अंदर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इमरजेंसी सिचुएशन में भी काम आता है, ये हिल क्लाइंबिंग सिचुएशन में भी काम आता है, ये आपके बहुत सारे सिचुएशंस में काम आता है। और हमेशा ये कोशिश करें कि हर सर्विसिंग पे, हर ड्राइव से पहले अपनी हैंड ब्रेक को अप्लाई करके देख लें कि आपकी हैंड ब्रेक प्रॉपरली वर्किंग है या नहीं। तो हैंड ब्रेक का मेन काम ये होता है, जब भी आप किसी सिचुएशन में हैं कि जब आपकी गाड़ी किसी ढलान पे खड़ी है, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि जैसे ही आप अपनी कार को न्यूट्रल में करते हैं, गियर डिसंगेज करते हैं और आप ब्रेक्स वगैरह छोड़ देते हैं, तो होता यह है कि आपकी कार पीछे खिसकनी शुरू हो जाती है। उस टाइम पे आप इसे हैंड ब्रेक को ऊपर खींचते हैं, जैसे ही आप इसे ऊपर खींचेंगे आपके चारों टायर जो हैं वो बिल्कुल जैम हो जाएंगे और आपकी कार कहीं भी फिसलेगी नहीं, आपकी कार एक तरीके से चारों टायर्स में ब्रेक लग जाएंगे बिना आपके ब्रेक पैडल दबाए। और इस ब्रेक का एक काम और अच्छा होता है कि अगर आप ढलान पे हैं या नहीं है वो तो अलग चीज़ है, उसमें तो ये चीज़ यूज़ होती ही है। प्लस आपको कभी ऐसा भी है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपकी ब्रेक नहीं लग रही है, ब्रेक पैड काम नहीं कर रहा, तो आप उस सिचुएशन में भी ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी कार की स्पीड बिल्कुल धीमी हो जाने पर और एकदम से इमरजेंसी सिचुएशन में हैंड ब्रेक खींच सकते हैं। हैंड ब्रेक खींचने से होगा ये कि आपकी कार जहाँ है वहीं पे स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि आपकी कार बिल्कुल जैम हो जाएगी, ना आगे चलेगी ना पीछे चलेगी। तो ये सबसे बड़ा काम है हैंड ब्रेक का। हैंड ब्रेक अप्लाई करने का सिंपल तरीका है, उसे लीवर को पकड़ के ऊपर खींचें, प्लस हैंड ब्रेक डिसएंगेज करने का सबसे बड़ा तरीका, जो सबसे इजी और एकलौता तरीका है, वो मोस्टली लोग गलत समझते हैं जब वो नई नई कार चलाना सीखते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम इस हैंड ब्रेक लीवर को नीचे पुश करेंगे तो ये डिसएंगेज हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको ये करना होता है, आपको हर हैंड ब्रेक में ये वाला बटन मिलेगा, इसे आपको ऐसे यूज करना है। आप पहले अपनी हैंड ब्रेक को हल्का सा ऊपर खींचेंगे, इस बटन को ऐसे दबाएंगे और फिर इसे धीरे से नीचे ले जाएंगे। अगर आप इस बटन को नहीं दबाते हैं, ये देखिए ये हमारी हैंड ब्रेक एंगेज हुई, अब अगर मैं इस बटन को दबाने की कोशिश कर रहा हूँ ये नहीं दबेगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें अपने इस लीवर को थोड़ा सा ऊपर उठाना है, फिर ये बटन दबाना है और ये हैंड ब्रेक नीचे ले जानी है, ये हैंड ब्रेक हमारी डिसएंगेज होगी। ये बहुत लोग गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं ऐसे ही खींच के हैंड ब्रेक एंगेज हो गई है तो ऐसे ही पुश करके ये डिसएंगेज भी हो जाएगी, जो कि ऐसा नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। और हमेशा जब भी आप हैंड ब्रेक को एंगेज करेंगे उसके बाद ये ध्यान रखें कि जब आप अपनी कार को चलाना शुरू करते हैं तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो हैंड ब्रेक को डिसएंगेज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से चारों टायर्स पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है, आपके इंजन पे जोर पड़ता है और आपका इंजन भी कमज़ोर होता है, आपके टायर्स के जो ब्रेक पैड्स हैं वो भी घिसते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप कार चलाना शुरू करते हैं तो अपने हैंड ब्रेक को डिसएंगेज ज़रूर करें। आप जब भी कार को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अपने गियर लीवर को ऐसे हिला के देखें कि ये न्यूट्रल है या नहीं, और उसके बाद अपना हैंड ब्रेक डाउन करें, उसी के बाद चलना शुरू करें। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हैंड ब्रेक को एंगेज करने में भी गलती करते हैं, वो ये तो सीख जाते हैं कि ये बटन दबा के डिसएंगेज होगा, तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम इसी बटन को वापस से दबा के और उसे एंगेज भी कर देंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा आपके हैंड ब्रेक का अप्लाई होने का सबसे बड़ा इंडिकेशन ये होता, आप जैसे ही इसे ऊपर उठाएंगे तो आपके हैंड ब्रेक में से आवाजें आएंगी, ये देखिए और इस आवाज के आने का मतलब ये है कि आपके हैंड ब्रेक एंगेज हो चुकी है। बट अगर आप ये बटन दबा के एंगेज करेंगे तो ये आवाज नहीं आएगी, और बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि हैंड ब्रेक एंगेज नहीं होती। तो हमेशा याद रखें, हैंड ब्रेक एंगेज करने के लिए सिंपल लीवर आपको ऊपर खींचना है, और हैंड ब्रेक डिसएंगेज करने के लिए आपको थोड़ा सा लीवर और ऊपर खींच के ये बटन दबाना है और उसके बाद इसे नीचे ले जाना है, ये आपकी हैंड ब्रेक डिसएंगेज होगी।
अब आते हैं हम अपनी कार के ग्लव बॉक्स पे। ये है हमारी कार का ग्लव बॉक्स, इसे आप जैसे ही पुल करेंगे ये ओपन हो जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे ग्लव बॉक्स को मोस्टली हम इंडियंस ये सोचते हैं ये एक तरीके का स्टोरेज कंपार्टमेंट है, बट कोशिश ये करें कि यहाँ पे आप सिर्फ वही चीज़ें रखें जो आपकी डेली यूजेज की हैं, जैसे कि आपकी कार्स के पेपर वगैरह हो गए, RC हो गई, पॉल्यूशन कंट्रोल पेपर हो गए, या फिर आप दो तीन चीज़ें छोटी छोटी रख सकते हैं जैसे कि आपके सनग्लासेस वगैरह हो गए जो आप हर रोज़ ड्राइविंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा सामान ना रखें क्योंकि उससे इशू ये आएगा कि आपके डैशबोर्ड में कभी कभार चलते वक्त आवाज़ें भी आ सकती हैं, प्लस उसके साथ प्रॉब्लम ये भी आएगी कि ये ग्लव बॉक्स जो होता है इसके लॉक्स वगैरह जो है वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अनइवन और स्क्वीकी साउंड्स करना शुरू कर देते हैं और आपके ड्राइविंग के प्लेजर को ख़त्म करते हैं, आपके कैबिन के अंदर नॉइस बढ़ाते हैं। IRVM जो होता है ये एक तरीके से हम लोग रियर व्यू मिरर भी कहते हैं। इसका काम ये होता है कि आप इस मिरर के थ्रू अपने गाड़ी के पीछे की शील्ड के अगेंस्ट देख सकते हैं कि आपकी कार के पीछे पीछे कौन आ रहा है, कौन आपको फॉलो कर रहा है और कितने डिस्टेंस पर वो है। तो इसका मेनली काम यही होता, प्लस इसके अंदर नाइट व्यू और डे व्यू भी होता है। और बहुत सी कार्स ऐसी होती हैं जिसमें ये ऑटोमेटिक होता है, यहाँ पर उसमें आपको कहीं भी एक जगह पे एक सेंसर लगा मिल जाएगा कि पीछे से कभी भी लाइट पड़ेगी या फिर नाइट के टाइम पे ये थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, अपने आप टिंट हो जाता है, जिससे आपको पीछे वाले व्हीकल की लाइट आंखों में नहीं पड़ती है जब आप रात को ड्राइव करते हैं। हालांकि इस कार के अंदर ये चीज़ ऑटोमेटिक ना होकर मैनुअल है। आप देखेंगे तो ये छोटा सा आपको एक स्विच मिलेगा, ये आप अगर ऊपर कर देते हैं तो ये आ गया है हमारा डे मोड में, और अगर आप इसे पुश कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा नाइट मोड में। नाइट मोड में सिंपल ये होता है कि ये पीछे से व्हीकल की आने वाली हेडलाइट की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, आपकी आंखों में नहीं आने देता। तो कुछ कार्स में ये ऑटोमेटिक होता है, कुछ कार्स में ये ऐसे मैनुअल होता है। उसके बाद आते हैं हम अपनी कार के ये सन वाइजर या सन ब्लाइंड, आप जो भी कहना चाहें, सन पैड। इसका काम यूज होता है जब आप सन के अगेंस्ट ड्राइव कर रहे होते हैं और सूरज सामने से आपको दिख रहा होता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सूरज की जो रेज होती है वो आपकी आंखों में पड़ती हैं और आप ढंग से ड्राइव नहीं कर पाते। तो आप उस टाइम पे इसे यूज़ कर सकते हैं, इसे ऐसे ओपन करें और वहां तक सेट कर दें जहां तक आपको ये सन की रेज को ब्लॉक कर दे और आपको सामने का सारा एरिया बिल्कुल क्लियर दिखता रहे। या फिर अगर कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये साइड में भी, जैसे आपके सन है तो साइड से अगर आपको बहुत ज़्यादा धूप लग रही है तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसे इस वाले लूप से निकाल के, लॉक से निकाल के, और इसे ऐसे लाके ये यहाँ से सन ब्लॉक कर सकते हैं, ये देखिए, और ये यहाँ पर लाके वापस से पुश करेंगे ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप इसे ऐसे बंद कर दें। फिर आते हैं हम अपने ये रूफ कंपार्टमेंट्स और लाइट्स पे। ये है हमारा सनग्लास होल्ड करने का एक कंपार्टमेंट जो मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। कुछ कार्स में ये आपको मिलता है, कुछ कार्स में नहीं मिलता है। ये एक तरीके से एक फीचर है कार का जो कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। ये आप वापस से पुश करेंगे ये बंद हो जाएगा। ये हो गई हैं आपकी रीडिंग लैंप्स, देखिए इसे आप पुश करेंगे ये लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। ये है आपका इसके अंदर ये सेटिंग स्विच होता है इन्हीं लाइट्स का, जिस जैसे कि आप अगर आप इन्हें ऑन रखना चाहते हैं तो ये दबा दीजिए और ये दोनों लाइटें ऑन रह जाएंगी। इन्हें आप बीच में कर देंगे तो इसका मतलब ये लाइटें तभी ऑन होंगी जब आपका ड्राइवर साइड या फिर पैसेंजर साइड के कोई भी डोर ओपन होगा, तभी ये लाइटें ऑन होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। और अगर आप इसे पुश कर देंगे लेफ्ट साइड पे तो ये ऑलवेज ऑफ हो जाएंगी। ये सिर्फ ऑन तभी होंगी जब आप यहाँ से पुश करके ऑन करेंगे, अदरवाइज ये लाइटें ऑन नहीं होंगी। तो इसे हम कोशिश करते हैं हमेशा ये बीच में रखें, जिससे आप कार में कभी भी एंट्री लें तो ये लाइट एक तरीके से आपको वेलकम करती हैं दरवाज़ा ओपन होते ही, डोर ओपन होते ही। ये आता है हमारा सनरूफ का स्विच। इसे अगर हम बिल्कुल पीछे पुश करते हैं तो ये देखिए हमारी सनरूफ ओपन होगी, और वहीं पे अगर हम इसी स्विच को फ्रंट की साइड पुश करते हैं तो ये हमारी सनरूफ क्लोज हो जाएगी, ये देखिए। और ये होता है हमारा सनरूफ का सन ब्लाइंड। इसे आप कभी कभार ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जब आप सनरूफ को यूज नहीं कर रहे हैं, जब आपको सनरूफ ओपन नहीं करनी बट स्टिल धूप नहीं है और आप देखना चाहते हैं कि बाहर मौसम कैसा है, तो आप सिंपली इसे हटा के चला सकते हैं। इससे आपके कार के केबिन में थोड़ी सी नेचुरल लाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है, केबिन और ज़्यादा एयरी लगता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरवाइज़ जब ज़्यादा धूप हो तो आप इसे बंद कर सकते हैं, जिससे आपकी केबिन के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज ना हो धूप की वजह से। प्लस
इसके अंदर एक और फीचर होता सनरूफ के अंदर, जैसे आपको कोई आपके कैबिन के अंदर अनवांटेड स्मेल है या फिर आपको स्मोकिंग की आदत है और आपका कैबिन सारा बंद है और आप अंदर स्मोक कर रहे हैं या कोई स्मेल है, तो आप उस टाइम पे ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसी बटन को अगर हम ऊपर की साइड पुश करेंगे तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ वापस से, ये देखिए, ये आपका सनरूफ जो है वो पीछे से थोड़ी सी टिल्ट होके ओपन हो गई है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम ड्राइव करते हैं तो ड्राइव करते समय ये हमारे कैबिन की जो एयर है उसे बाहर निकाल देती है धीरे धीरे करके, और उससे फ़ायदा ये होता है कि हमारे कैबिन में से जो भी अनवांटेड स्मेल है या फिर जैसे आप स्मोक कर रहे हैं तो आपका जो स्मोक है वो सब कुछ बाहर चला जाता है इसी के थ्रू, बिना आपके सनरूफ को खोले। और अगर आपको इसे बंद करना है तो वापस से इसे फ्रंट की साइड पे पुश करेंगे, ये क्लोज हो जाएगा और अपना सन ब्लाइंड को बंद कर दे। मोस्टली लोग जो होते हैं वो सनरूफ को अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं, बट सनरूफ का जो मेन रीज़न है दिए जाने का वो एक फीचर इसलिए है कि एक तो आपकी कार कभी भी किसी गर्म सिचुएशन में काफ़ी देर से खड़ी है तो आप आके अपने सनरूफ को ओपन कर सकते हैं, और सनरूफ ओपन करने के बाद आप थोड़ी देर अपनी कार के अंदर एसी चलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी कार बहुत जल्दी एकदम से ठंडी हो गई है। तो क्योंकि सनरूफ के थ्रू आपकी कार के कैबिन के अंदर जितनी भी वार्म एयर एक्यूमुलेट हुई हुई होती है वो सारी बाहर निकल जाती है। प्लस सनरूफ का एक और फ़ायदा ये होता है कि आप एक अच्छे मौसम में अपने कैबिन के अंदर लाइट और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, प्लस एक अच्छे मौसम का फ़ायदा उठा सकते हैं, एक अच्छा फील ले सकते हैं। बट बहुत से लोग स्पेशली इन इंडिया हमारे बॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर होके वो लोग ये सोचते हैं कि सनरूफ से बाहर निकल के वो एंजॉय करेंगे, जबकि वो एक सबसे ज़्यादा हैजार्डस चीज़ होती है जो हम करते हैं। हम जब सनरूफ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो आप ये मान के चलें कि सनरूफ इस चीज़ के लिए नहीं बनी है। सनरूफ से बाहर निकलना एक तरीके से आप बहुत बड़ी सेफ्टी ग्लिच बना रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि जब कार मूव कर रही होती है और आप सनरूफ से बाहर निकलेंगे तो एक तो आपको स्पीड का अंदाज़ा नहीं होता, अगर कार ज़्यादा स्पीड में है तो आपकी नेक में बहुत तेज़ी से झटका आ सकता है, प्लस आपको ये नहीं पता आपके कार के ऊपर क्या है। बहुत बार बहुत केसेस में ऐसा भी हुआ है कि कार के ऊपर कोई वायर थी या कुछ था और इंसान जो है एकदम सनरूफ से बाहर निकला और वायर से टकरा गया। तो ये ऐसी चीज़ों से बचें और कभी भी सनरूफ से बाहर ना निकलें। सनरूफ आपकी कार की ब्यूटिफिकेशन के लिए दी गई है, आपको एज अ फीचर दी गई है, तो आप उसका यूज़ सिर्फ उसी चीज़ के लिए करें। अब आता है हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम कार का, और इंफोटेनमेंट सिस्टम MID और ये AC कंट्रोल्स की जो सारी वीडियो है ये हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है, जिनकी आपको सेटिंग्स एक अप्रोप्रिएट पोजिशन में इन्हें रखना होता है अलग अलग सिचुएशन के लिए। तो उसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको MID इंफोटेनमेंट सिस्टम और AC कंट्रोल से रिलेटेड सारी इन्फो हम प्रोवाइड कराएंगे। तो गाइज ये थी कुछ आज की वीडियो हमारी ड्राइव विद हिमांशु में, एंड इसमें हमने आपको आज पूरा अपना अंदर का कैबिन का बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको जान ज़रूरी होती हैं जब आप ड्राइव पे निकलते हैं या आपको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा था सेकेंड पार्ट, एंड थर्ड पार्ट जल्दी आएगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लग रही है सीरीज़ हमारी, ठीक है, जिससे कि आपका प्यार हमें मिलता रहेगा और हम आगे आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।